एक बहुत ही यूनिक बात है जो ध्यान देने वाली बात है, और आपने भी शायद ध्यान दिया होगा कि इंडिया में ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के साथ अच्छे से तभी तक व्यवहार करते हैं जब तक कि उनका बच्चा स्टडी में अच्छा कर रहा हो। जैसे वो बच्चा किसी एग्ज़ाम में फेल होता है, सेम पेरेंट्स उस बच्चे के साथ इस तरह से घटिया व्यवहार करते हैं कि शायद उस बच्चे का जो सबसे बड़ा दुश्मन हो वो भी उतना घटिया व्यवहार ना करें। मतलब आप सोचो कि ये कैसा प्यार है, जब तक बच्चा अच्छा कर रहा है आप उसके साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हो, उसका हर चीज़ में साथ दे रहे हो, जैसे वो बच्चा किसी एग्ज़ाम में फेल हुआ, जैसे वो नीचे गिरा आपने उसे लात मारना शुरू कर दिया, आपने उससे बात करना बंद कर दिया, आपने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, आपने ताना मारना शुरू कर दिया। और कई बार तो ऐसा होता है वो सेम बच्चे यही बात सोच सोच कर सुसाइड भी कर लेते हैं। तो अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ज़्यादातर जो बच्चे जो सुसाइड करते हैं आजकल, वो ये सोच कर सुसाइड नहीं करते कि समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, ज़्यादातर बच्चे यही सोचने लगते हैं कि उनके माता पिता क्या सोचेंगे। बच्चे सुसाइड करते हैं अपने माता पिता का सोच सोच के, और माता पिता सोच रहे होते हैं अपने समाज के बारे में, समाज क्या सोच रहा है मेरा बेटा फेल कर गया। अब देख रहे हो कितना मतलब एक डिफरेंस है दोनों की सोच में, बच्चों की सोच में, माता पिता की सोच में। मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा जब सुसाइड करता होगा तो ये सोचता होगा कि समाज के लोग क्या सोचेंगे, हर बच्चा यही सोचता है कि माता पिता पर क्या बीत रही होगी, माता पिता मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, वो क्या सोच रहे होंगे। लेकिन माता पिता किसी और के बारे में सोच रहे होते हैं। बहुत अजीब है ना।